दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डाउनी मिल्डू बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे करेला यानी बिटर गॉर्ड के फसल में डाउनी मिल्डू के लक्षण क्या है और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। डाउनी मिल्डू मौसम का परिवर्तन के समय तापमान का अप डाउन के कारण करेला और कई बेल वर्गीय फसलों में देखा जाता है। डाउनी मिल्डू की शुरुआती स्टेज कुछ इस प्रकार होता है, जहाँ पे पुरानी पत्तियाँ धीरे धीरे बाहर तरफ से पीला होने लगता है और धीरे धीरे ऊपर के तरफ बढ़ता रहता है और आहिस्ते आहिस्ते ये पूरे पौधे में फैल जाता है। डाउनी मिल्डू आने से नए ग्रोथ में और फूल फल में बौनापन आ जाता है। ज़्यादातर फल टेढ़ा हो जाता है और पीला कलर का हो जाता है, इसके कारण पौधा का ग्रोथ भी रुक जाता है। दोस्तों डाउनी मिल्डू को ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव तौर पे पोटासियम बाइकार्बोनेट का 2 ग्राम प्रति लीटर में इस्तेमाल करना चाहिए और उसे 1 मिली लिक्विड सोप के साथ मिलाकर शुरुआती अवस्था में स्प्रे करना चाहिए। इससे डाउनी मिल्डू आने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा शुरुआती स्टेज पे केमिकली कंट्रोल करने के लिए रिडोमिल गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में स्प्रे कर लेना है। इसके अंदर मेटालिक सिल और मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन रहता है, जो शुरुआती अवस्था में अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर खेत में डाउनी मिल्डू का ज़्यादा फैलाव हो गया है तो अडामा का कस्टोडिया का इस्तेमाल 1.5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से करना चाहिए। इसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो अच्छा रिजल्ट देता है। डाउनी मिल्डू एक एयरबोर्न डिजीज है, यानी ये हवा से फैलता है। हवा में उपस्थित जीवाणु के माध्यम से ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता रहता है। इसीलिए शुरुआती स्टेज पे जब इस तरीके का लक्षण दिखाई दे तो उस समय इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो ये पूरे खेत में फैलकर पूरे फसल को बर्बाद कर देगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।